रक्षा होनी चाहिए, माताओं बहनों की रक्षा होनी चाहिए। धर्म नहीं देखना चाहिए, संप्रदाय नहीं देखना चाहिए, माताओं बहनों की इज्जत होनी चाहिए। हमने हिम्मत से इस बात को आगे बढ़ाया है। अब बात आई है तलाक की। मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह कोई ऐसे ही टेलीफोन पर तीन तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए? क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? महरानों, हिंदुस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक के भूख में 21वीं सदी में मुस्लिम औरतों के साथ अन्याय करने पर तुले हुए हैं। ये कौन सा न्याय है? और इसलिए भाइयों बहनों, चुनाव अपनी जगह पर होते हैं, राजनीति अपनी जगह पर होती है, लेकिन हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों को उनका हक दिलाना, भारत के संविधान के तहत दिलाना, ये सरकारों की और समाज की जिम्मेवारी होती है। जो लोग तीन तलाक के मुद्दे से हट करके ऐसे ऐसे विषय उठा रहे हैं और लोगों को भड़काने की बातें करते, इस देश में हिंदू को भी मां के गर्भ में बेटियों को मारने का हक नहीं होगा। वो हिंदू होगा तो भी जेल जाना पड़ेगा। इस देश में मुस्लिम बहनों को भी तीन तलाक कह करके बर्बाद करने वालों लोगों को भी आज के युग में बर्बाद करने का मौका नहीं दिया जा सकता है। इन माताओं बहनों की रक्षा होनी चाहिए और इसलिए हम काम कर रहे हैं।